तो ओवरऑल तीन पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पूछा गया, भैया इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो ये एटम के अंदर रहते कैसे हैं? जैसे आपको बोले कि आपके घर के अंदर कितने भाई बहन है, तो बोले कि मम्मी है, पापा है और मैं हूं, तो तीनों लोग रहते कहाँ हो? तो वैसे ये सवाल उनसे भी पूछेंगे, भैया इलेक्ट्रॉन किधर रहता है, प्रोटॉन किधर रहता है, न्यूट्रॉन किधर रहता है? तो सबसे पहले ये सवाल पूछा गया था सर जे जे थॉमसन से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने बोला, उनके हाथ में क्या था उस टाइम पे, वो शायद तरबूज खा रहे होंगे, तो तरबूज खाते खाते उनसे पूछा कि हाँ अंकल जी, ऐसा राजस्थानी बोलते हैं ना, हाँ अंकल जी, थे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करियो, थे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करियो, तो बता दो इलेक्ट्रॉन कटारा वे राजस्थानी आप लोगों के सर क्या हो गया। तो बेसिकली क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया सर जे जे थॉमसन ने, तो उनसे सवाल पूछा कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं, तो वो तरबूज खा रहे थे उस टाइम पे रेडी पे खड़े खड़े। तो उन्होंने तरबूज को देखा और तरबूज को देखते हुए बोले कि भैया देखो ऐसे तरबूज के जैसा होएगा। तो तरबूज में क्या होता है, तरबूज अगर आपने देखा वाटरमेलन, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, सो इन दैट केस बोला जो तरबूज के जो बाहरी पार्ट होता है हरा हरा, उसको बोला वो न्यूट्रॉन की परत है, ठीक है। और उसके अंदर जो बीज होते हैं बेसिकली, वो जो बीज है काले काले, उनको क्या बोला उसने, उनको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है। और जो रेड कलर की पल्प पल्प होती है, वो बोला कि वो प्रोटॉन है। और काफी काफी सालों तक ये मॉडल जो है, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, केक पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ऐसा देखो ऊपर की लेयर है उसको उसने बोला कि भैया न्यूट्रॉन है, अंदर की व्हाइट ये जो येलो लेयर है उसको बोला कि ये तो भैया प्रोटॉन है, और ये जो आपको छोटे छोटे से चकी चिप्स दिख रहे हैं ना, चॉकलेट चिप, चॉकलेट चिप्स, तो उनको बोला कि इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल काफी सालों तक चला, लेकिन ये गलत था। इसको गलत साबित किसने किया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड कहता है फालतू की बकवास है, हालांकि वो ये कहना नहीं चाहता था कि ये फालतू की बकवास है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट उसके स्टूडेंट कर रहे थे उसके बाद जो कंक्लूजन निकल गया वो धांसू था। बेसिकली रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट भी यही पता करने कोशिश कर रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल है उनसे बचे कैसे। तो उन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया था, ये लेड का एक बॉक्स था और वहां से कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्टमेंट हो रही थी, एक गोल्ड की फॉइल उन्होंने लगाई थी। बाद में पता लगा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो सीधे ही निकल गए, कुछ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, सीधे निकल गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो आपका एटम है वो मतलब बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है उसमें, क्योंकि कोई चीज सीधे निकल जाएगी इसका मतलब उसमें कुछ नहीं है, तो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जे जे थॉमसन तो पागल बना रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भैया ये तो पूरा तरबूज के जैसा है, जबकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट यहाँ पता है ऐसे लग रहा था कि भैया सारे पार्टिकल तो सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब एटम का जो बहुत सारा एरिया है वो एम्प्टी है, लेकिन कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे थे इस तरह से, और कुछ पार्टिकल क्या थे, कुछ पार्टिकल बेसिकली पूरे 180 डिग्री से घूम के वापस आ रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उनको लगा कि यार ये क्या है। तो तब उनको समझ में आया कि भैया फाइनली उन्होंने कहा कि पूरा एटम वैसे तो खाली है, पूरा एटम वैसे तो खाली है, लेकिन उसके बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसका एरिया बहुत कम है, ठीक है, और वो एरिया, वो जगह कुछ ऐसी है कि उसमें पूरे प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, और वो मासी भी बहुत है। मासी मतलब वो हिंदी वाली मासी नहीं, इंग्लिश वाली मासी, मासी मतलब उसमें टोटल एटम का मास लाई करता है। तो बोला है वो बहुत ज्यादा मासी है, तो जो भी पार्टिकल इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब वापस घूम के आ जाएगा। तो तभी उन्होंने बोला कि भैया देखो एटम पूरा खाली होता है, लेकिन उसके सेंटर पॉइंट पे एक न्यूक्लियाई होता है, और उस न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो तब जाके उन्होंने बोला कि भैया प्रोटॉन किधर रहते हैं, न्यूट्रॉन किधर रहते हैं, वो न्यूक्लियाई के अंदर रहते हैं, रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन और बोले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूमता है, ये ऐसे ही घूमता है जैसे कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल दिया। पहले तो एटम को गोल क्यों बताया, तो गोल इसलिए बताया कि सूरज गोल होता है, नेचुरली जो भी चीज होती है वो गोल होती है, सूरज गोल, चंदा गोल, समझ में आ रहा है, धरती गोल, तो एटम भी गोल, समझ में आ रहा है, पहली चीज तो ये बताई। दूसरा, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर वैसे ही काटता है जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काटती है एक ऑर्बिट के अंदर। तो यहाँ पर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट निकल के आया, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये सब ह्यूमन माइंड से निकली हुई चीजें हैं, आ रहा है समझ में, ये सब सोच है, अंदर जाके तो किसी ने देखा नहीं है, बट हाँ जैसे ब्रह्मांड में होता है, मतलब मैक्रो लेवल पे जो हो रहा है वही माइक्रो लेवल पे हो रहा होगा ऐसा बोला गया। लेकिन रदरफोर्ड का जो बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया, क्यों, क्योंकि उसने सब वहां पर बोहर साहब बैठे थे, जब रदरफोर्ड ये सब बातें बता रहा था तो बोहर ने बोला कि तुम क्या बातें कर रहे हो, तो बोला कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और ये एक चार्ज बॉडी है जो कि प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रही है, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, एनर्जी को लूज करना शुरू नहीं कर देगा। तो वो क्यों बोला, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के रिस्पेक्ट में जब मूव करती है तो वो एनर्जी को रिलीज करती है। तो ये कह रहा था कि प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा,
समझ में आता है, तो तुम्हारी थ्योरी तो गलत हो गई। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, तब रदरफोर्ड ने हार मान ली थी। बट ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले न्यूक्लियस नाम किसने दिया था, कि न्यूक्लियस टाइप की कोई चीज होती है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता है, तो वो रदरफोर्ड साहब थे। ठीक है।